जय भीम साथियों, आज हमारे साथ हैं एडवोकेट महमूद प्राचा, जो दिल्ली दंगा पीड़ितों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम इनसे उमर खालिद पर बात करेंगे, जिनकी गिरफ्तारी कल ही हुई है। सर, उमर खालिद को कल गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सर इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि टाइमिंग आप देखिए इसकी क्या है, उसी से सारी बातें साफ हो जाती हैं। ये एफआईआर दर्ज हुई थी मार्च के महीने में। अब जब पार्लियामेंट का सेशन है तो पार्लियामेंट के सेशन से जस्ट पहले बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ और उमर खालिद के खिलाफ जो एक झूठा सारा एक बोहतान रचा गया था उसको कल्मिनेट करके उसका पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। ये उसी पर्पस के लिए है और ये सारी चीजें बेसिकली झूठी बेबुनियाद हैं। उमर खालिद की अरेस्ट, जिसको प्राइम अक्यूज्ड बताया जा रहा है इस केस में, उसकी टाइमिंग पार्लियामेंट से जस्ट पहले करना इस बात का साफ सबूत है, पुख्ता सबूत है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। और वो पॉलिटिकल एजेंडा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को डायल्यूट करके और मनुस्मृति को लागू कराना। इसके अलावा कुछ इनका एजेंडा है नहीं, साफ साफ तौर पर। सर, इस टाइम पे जो है सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ जो भी मुखर होकर बोल रहा है, उनको मतलब सरकार उन्हें जानबूझकर टारगेट कर रही है। सर, यही सब हो रहा है। देखिए, पहली चीज यह है कि सबसे पहले तो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज अंबेडकरवादी नहीं उठा सकता, या जो मनुवादी मानसिकता से नहीं है उसके लिए खास तौर पे सरकार जो है ज्यादा सख्ती से कदम उठाती है। बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको इनडायरेक्टली, जो मनुवादी मानसिकता के हैं, इनडायरेक्टली सरकार जो है उनको अपोजिशन का रोल भी हाईजैक करने के लिए प्रमोट करती है। ये एक आस्पेक्ट। दूसरा, जो अंबेडकरवादी हैं उनको जबरदस्त तरीके से दबाया जाता है, कुचला जाता है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, प्रेस वाले हों। और दिल्ली के जो ये हमले हुए हैं, जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड थे, जो होम मिनिस्ट्री में जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं उनकी उनसे उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड थे दिल्ली पुलिस की पूरी मदद के साथ, उसमें तो आप देखेंगे कि प्रेस वालों के ऊपर भी और यहां तक कि मेरे ऊपर भी, मुझे भी झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मैं इन केसेस में एज अ वकील हेल्प कर रहा हूं जिन लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है या जिन लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ। क्या आज के माहौल में दलितों और मुस्लिमों को फंसाना आसान हो गया है? नहीं, ये आज के दौर में ये आसान नहीं है, आसान तो शुरू से ही चला जा रहा है, लेकिन आज के दौर में ये फैशन बना लिया। आज की इस मनुवादी सरकार ने इसको एक फैशन बना लिया है, एक दमन का एक नया तरीका और एक दमन की नई ऊंचाई, बुलंदियां इन्होंने इख्तियार कर ली है, जिसमें डेली आप देखेंगे खास तौर पे जो आरएसएस द्वारा रूल्ड शासित प्रदेश हैं उसमें तो दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, ट्राइबल्स के साथ और ओबीसी के साथ भी जरूरत से ज्यादा नहीं, लिमिट इंतहा से ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं। चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा देख लीजिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कहीं ना कहीं इन सब में दब जाता है नीचे, वो रिजर्वेशन का मुद्दा है, जिससे मनुवाद जो है ये पूरी तरीके से एक बार अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश करना चाहता है, वो रिजर्वेशन खत्म करके। तो हमें ना सिर्फ इन दमनकारी नीतियां जो कि पुलिस के माध्यम से हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, बल्कि जो रिजर्वेशन के ऊपर हमला हो रहा है, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए भी रिजर्वेशन खत्म कर दिया। तो ये सब जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये मनुवादी मानसिकता के हमले हैं बाबा साहब के संविधान के ऊपर, और उसको बचाने के लिए उमर खालिद लेटेस्ट एग्जाम्पल है। उसकी टाइमिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसको मार्च से लेकर आज तक अरेस्ट नहीं किया। सीताराम येचुरी साहब के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक्यूज बनाने की जो प्रक्रिया है उसको मार्च से लेकर आज तक शुरू नहीं किया, पार्लियामेंट से जस्ट पहले न्यूज बनाने के लिए एक दिन पहले। तो सोचने का विषय यह है कि पुलिस किस तरीके से, जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं, किस तरीके से एक प्रकार से गुलाम बन के मनुवादी मानसिकता को सपोर्ट कर रहे हैं, कानून को, संविधान को धता बता के, कानून और संविधान को किनारे रख के। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है।
चूंकि एनसीआरबी का डाटा भी यही कहता है कि जो जेल में बंद हैं उनमें दलित, मुस्लिम और आदिवासी लोग ही सबसे ज्यादा हैं, जिनके केस अभी मतलब जिनके जुर्म अभी साबित भी नहीं हुए हैं, उनके अपराध साबित भी नहीं हुए हैं, विचाराधीन हैं वो। तो सर क्या ये आसान है उन लोगों को अपराधी साबित करना, या इन तबकों में सबसे ज्यादा अपराध किए जाते हैं? देखिए, ये कहने की बात यह है कि इसमें जो ये डेटास में एक बात छुप जाती है, वो ये छुप जाती है, हालांकि कितना भी ये छुपाएं फिर भी ये बातें सामने आती है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं सबसे ज्यादा SC ST और माइनॉरिटीज के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। जी ये बात डेटा से नहीं छुपा पाते, ये सरकारें जो हैं ये डेटा को फज करने में, डेटास को तोड़ मरोड़ के पेश करने में एक्सपर्ट है, लेकिन कितना भी तोड़ मरोड़ करें ये नहीं छुपा पाते। लेकिन जो चीज सब लोगों के सामने नहीं आती है कि ये लोग बेगुनाह हैं जिन्हें झूठा फंसाया गया है, ये डेटा से बात सामने नहीं आती। तो ये लोग बहुत बड़ी संख्या में, या मैं समझता हूं कि 90-95% से भी ज्यादा झूठे फंसाए जाते हैं, और इनकी जो ट्रायल्स हैं, जो इनकी ट्रायल करने की प्रक्रिया है, वही पनिशमेंट है, और ये सभी लोग बरी होते हैं। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो अरेस्ट ही नहीं होते हैं पहले, तो क्योंकि वो जो राजतंत्र आज का बन गया है मनुवादी व्यवस्था का, सरकारी अफसर पुलिस अफसरों के साथ मिलीभगत करके ही क्राइम करते हैं। जैसे आप बैंकों में देख रही हैं, बैंकों में लूट किसने मचाई है? किसी SC ST OBC के लूटने, किसी ने बैंक में से पैसे लूटे हैं? सबके सब मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, और उनमें से भी 95% से ज्यादा गुजरात एक प्रदेश से आते हैं। मनुवादी मानसिकता के गुजराती लोगों ने इस देश की 95% से ज्यादा जो चोरी और डकैतियां बैंकों में और हमारे सिस्टम में हुई हैं, वो सब इन लोगों ने की हैं। तो उनके खिलाफ तो मुकदमे ही दर्ज नहीं होते, तो उनके खिलाफ केसेस क्या होंगे? और मुकदमे दर्ज भी मजबूरी में करने पड़ते हैं, तो उन्हें मनुवादी मानसिकता के अफसर लोग जो हैं वो सांठ गांठ करके देश से विदेश भगा देते हैं। 15 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा बैंकों से चुरा लिया है मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, और उनमें से 15 लोग भी जेलों में नहीं है आज। सर इसी पे मैं कहना चाहूंगी, जैसे सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल करते हैं कि कपिल मिश्रा पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी तो इसमें सीधी सीधी, क्योंकि मैं ये मुकदमे बहुत गहराई से देख रहा हूं, और इसमें हमने करीब 20 से लेकर 25 RSS के ऑफिस बेयरर्स को अरेस्ट भी करा दिया हमने कोर्ट के माध्यम से। तो कपिल मिश्रा साहब के लिए हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल साहब हैं तुषार मेहता साहब, उन्होंने हाई कोर्ट में ये बोला था कि हम इनके खिलाफ बनिस्बत बावजूद इसके कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञान लेने ऐसे ऑफेंस जो इसका पुलिस बगैर कोर्ट की मदद के भी संज्ञान ले सकती है, मतलब के सीरियस ऑफेंसेस इन्होंने किए हैं, इस बात को मानने के बाद भी माहौल ऐसा नहीं है जिसमें हम इनके खिलाफ, कपिल मिश्रा के साहब के खिलाफ FIR दर्ज कर सकें। ये भारत के सबसे दूसरे बड़े जो लॉ अधिकारी हैं, जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में दी है, और उसका हमें साफ साफ ये नजर आता है कि यदि कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ FIR दर्ज होगी तो, और वो अरेस्ट होंगे और उनसे कोई भी न्यूट्रल पुलिस अधिकारी पूछेगा, तो वो जो पॉलिटिकल मास्टर्स उनके होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं उनका नाम लेंगे तुरंत, और वो उनको भी अरेस्ट होना पड़ेगा जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स बैठे हैं होम मिनिस्ट्री में। तो इस वजह से उनको अरेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उसकी कंप्लेंट ना सिर्फ भड़काऊ भाषण देने की कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ, बल्कि बीजेपी के कपिल मिश्रा और दूसरे बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ दंगों में हमले करने, हथियारों के साथ आग लगाने और दूसरी तरह की जो कंप्लेंट्स हैं वो भी पेंडिंग है, जिसपे आज तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। हम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट उसमें भाग दौड़ में लगे हुए हैं, यहां तक कि जिन लोगों ने ये कंप्लेंटें की हैं कपिल मिश्रा के साहब के खिलाफ, उनके लिए पुलिस प्रोटेक्शन, क्योंकि उनको धमकियां मिल रही हैं, हमले हो रहे हैं उनके ऊपर। तो आज भी एक ऐसे व्यक्ति की हमने अदालत में एप्लीकेशन लगा रखी है सिक्योरिटी प्रदान करने, FIR तो कर ही नहीं रहे हैं बल्कि उनको धमका रहे हैं कि आप अपनी कंप्लेंटें विथड्रॉ। सर ज्यादातर लोगों पर NSA, देशद्रोही और UAPA का केस लगाया जा रहा है, तो
तो सर इनसे बचने के क्या तरीके हैं, इनसे आगे कैसे सावधान रहा जाए और किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, बचने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका है ही नहीं बचने का, क्योंकि अभी भी किसी ने कोई जुर्म किया ही नहीं है। तो आप किसी भी जुर्म से बचोगे कैसे, वो जुर्म ना करके। तो इन लोगों को भी सबको झूठा फंसाया जा रहा है, तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। बचने का एक ही रास्ता है, क्योंकि आज जो अदालतें भी हैं वो भी एक के बाद एक के बाद एक रिपोर्ट्स देख रहे हैं और आ रही हैं कि वो भी पूरी तरीके से आज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। सरकार के इतनी ज्यादा दबाव में है, उच्चतम न्यायालय तक ये बातें एक नहीं बहुत सारे लोग कह चुके हैं। जब इस प्रकार का इंप्रेशन देश में जा रहा है, तो बचने का एक ही तरीका है कि जनता को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको बचाने के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। संविधान रहेगा तो देश में न्याय व्यवस्था रहेगी, बराबरी रहेगी, जस्टिस रहेगा। संविधान के ऊपर ही हमला है तो जनता को जागे बगैर। और आपको याद होगा, चार सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने अभी 2 साल पहले ही जनता से आह्वान किया था कि आप लोग खड़े हो। तो वो आह्वान जो है भूलना नहीं चाहिए जनता को। जस्टिस को बचाने के लिए, इंसाफ को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें सबको एकदम कमर बंद कमर कस के उतरना पड़ेगा मैदान में, और ये मनुवादी मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा, अंबेडकरवाद को, और भारत के संविधान के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी पीसफुल तरीके से और कानूनी तरीके से। क्योंकि हमारी संख्या है 85% से भी ज्यादा जो अंबेडकरवादी लोग हैं। तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है बाबा साहब का दिया हुआ कलम, और जो मनुवादी लोग हैं उनकी ताकत है तलवार, बंदूक और सत्ता का नाजायज इस्तेमाल। तो हमें अपनी कलम का शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग करके आवाज उठानी चाहिए, सत्ता बदलने की चेष्टा करनी चाहिए, और इस सरकार को जो गैर कानूनी काम, भ्रष्ट काम, प्राइवेटाइजेशन के, रिजर्वेशन के खिलाफ जो लूट मचा रखी है सरकार ने, हर चीज बेचने की, रेलवे हो चाहे तो कोई भी इंडियन एयरलाइंस हो, एयर इंडिया हो, सब बेचने का जो कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ जनता को, अंबेडकरवादियों को खासतौर पर सड़क पर उतरना पड़ेगा। यही एक इसका रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। सर, जैसा कि एनसीआरबी का डेटा भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं ऐसे मामलों में, तो सर क्या वहां का कानून ज्यादा सख्त है या वो ज्यादा सख्ती बरतते हैं इस तरह से? वहां पे मनुवाद जो है सबसे ज्यादा हावी है। तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो मनुवाद को इंप्लीमेंट कराने में, मनुवादी मानसिकता को इंप्लीमेंट कराने में सबसे आगे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो, चाहे तो वो होम मिनिस्टर हो चाहे तो वो प्रधानमंत्री हो, उन सब दोनों से ही ज्यादा और बाकी सब लोगों से भी ज्यादा मनुवादी मानसिकता को देश के ऊपर थोपने में वो सबसे आगे अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इसलिए वहां पे पत्रकार बंधु सेफ नहीं है, पत्रकारों के ऊपर एनएसए लगाई जा रही है, वकीलों के ऊपर लगाई जा रही है। अब जजेस का नंबर अगला है, और जजेस के बारे में भी आप लोग देख चुके हैं वो पहले ही कितने दबाव में है, उसके बहुत सारे सबूत आते ही जा रहे हैं। प्रेस का तो आप लोग सभी, आप जैसे कुछ सोशल मीडिया चैनल्स को छोड़ के देखा जाए तो ज्यादातर जो मीडिया है वो तो बिल्कुल सरकार की एकदम बिल्कुल वो जिसे कहते हैं स्पोक्स पर्सन या एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो भी किसी हद तक भी जाते हैं सरकार को, सरकार के झूठे कारनामों को अच्छा बताने की चेष्टा में, और सरकार की चोरियां नाकामियां छुपाने में वो लोग देश के साथ और संविधान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी तो मीडिया ही कर रहे हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरा है हमारे संविधान को, सबसे ज्यादा खतरा है अंबेडकरवाद। सर एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है, इस फोर्स को बिना वारंट तलाशी और तुरंत अरेस्ट करने का हक दिया गया है, साथ ही बिना सरकार की परमिशन के कोई भी फोर्स के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस तरह की फोर्स के गठन को आप मतलब किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस तरह के जो बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि जितना भी पुलिस को ज्यादा ताकत दी जाएगी कानून व्यवस्था उतनी ज्यादा खराब होगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इंटेंशन एकदम साफ है, पुलिस को वो इतनी ज्यादा ताकत सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो बिल्कुल खराब हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए। वरना जहां जहां पुलिस कानून के हिसाब से चलती है वहां लॉ एंड ऑर्डर बेटर होता है। आप कोई भी राज्य उठा के देख लें, दुनिया का कोई भी हिस्सा उठा के देख लें,
जहां पुलिस की ताकत कम होगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, अपराध कम होंगे। जहां जहां पुलिस की ताकत बढ़ाई जाती है वहां अपराध भी बढ़ता है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बर्बाद हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश ही है, जहां आप खुद बता रही हैं वहां झूठे मुकदमे एनएसए के लगाए जा रहे हैं, पत्रकारों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे, जो एजुकेशनिस्ट है उनके ऊपर, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा खराब है। वहां पे अपराध का ग्राफ देख रही हैं आप, सबसे ज्यादा खराब है। जहां इतनी ज्यादा पुलिस को ताकत दी जा रही है सबसे ज्यादा, वहीं सबसे ज्यादा अपराध भी है। तो ये तो बिल्कुल साफ मंशा है योगी जी की, वहां पे एकदम जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं, ताकि वो जो भी उन्होंने करप्शन करनी है, भ्रष्टाचार करनी है, मनुवाद लागू कराना है, उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि लोगों की आवाज दबाना, और वो पुलिस के डंडे से ही दबाई जा सकती है, क्योंकि लॉजिक तो उनके पास कुछ है नहीं, न्याय तो उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं, अन्याय करना है तो वो तो डंडे से ही हो सकता है, लोगों की आवाज दबाना। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि उमर खालिद को अब गिरफ्तार तो कर ही लिया गया है यूएपीए के लिए, तो सर अब गिरफ्तारी के बाद उनके पास क्या ऑप्शन है या उनकी फैमिली के पास क्या ऑप्शन है कि वो बाहर आ सकें? देखिए, इसमें मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि ये यूएपीए के प्रावधान स्टूडेंट्स पर, सोशल एक्टिविस्ट पर और दूसरे लोगों पर, यहाँ तक कि महिलाओं के ऊपर भी इसलिए लगाया जा रहा है कि बगैर किसी सबूत के जेल में रखा जाए। यूएपीए लगाने की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि सबूत इनके पास कुछ है नहीं। अगर सबूतों की तलाश की जाएगी तो होम मिनिस्ट्री में बैठे हुए जो जो राजनीतिक नेता हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे, कपिल मिश्रा जी अरेस्ट हो जाएंगे, दूसरे आरएसएस के बड़े बड़े नेता और भी अरेस्ट हो जाएंगे, अगर सबूतों की बुनियाद पर चला जाए तो। और सबूतों की बुनियाद बगैर अगर जेल में रखना है तो वो तो दो चार कानूनी है, जैसा आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं एनएसए, जो गुंडा एक्ट जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वो, और पूरे देश में जो है यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसमें बगैर किसी सबूतों के जेल में रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें बेल की जो कंडीशन है वो इतनी मुश्किल है कि शायद किसी को भी बेल नहीं मिल सकती। तो इसका सीधा सीधा वजह यही है कि बगैर सबूतों को किसी को जेल में रखना है तो वो यूएपीए के लिए के अंदर ही रखा जा सकता है, इसीलिए यूएपीए लगाई जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय भीम। जय भीम सर, थैंक यू। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।